गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान एक रूप अनेक। तो आज मैं जाऊंगा हम लोग का देवरी का जो मंदिर है यानी कि श्री श्री बूढ़े बाबा थान, वहां पे जाऊंगा। और मतलब मम्मी मेरा बारे में पंजिका देखा था और वहां पे मतलब पंजिका देखने वाला आदमी बोला है मोनू को बूढ़े बाबा थान में साकी जलाने के लिए, बोलो टीन। तो आज जा रहा हूँ टीन साकी जलाने के लिए और साथ ही साथ आप लोग को मैं मेरा बस्ती भी दिखा दूंगा और साथ ही साथ हम लोग का देवरी समाज का मंदिर भी आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले अपना घर का काम कर लिया, अभी चलते हैं डायरेक्ट मंदिर पे, बूढ़े बाबा मंदिर में। यहाँ पे मैंने सामान ले लिया है, यहाँ पे तीन थो टुपुला है और वहाँ पे जो प्लॉटिन में आप लोग देख रहे हो वहाँ पे अंदर में साकी और होलिता है और यहाँ पे पानी का एक बोतल लिया हूँ और मासिस लेने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों ये है तेल, यानी कि घर से ही लिया हूँ। मम्मी ने बोला था कि दुकान से खरीद के लेके जाओ लेकिन दुकान पे घुसने का दिल नहीं है। और यहाँ पे दो सब्सक्राइबर आए हैं मेरे मुझे मिलने के लिए। कहाँ से आए हो? डिब्रूगढ़ से। हाँ? आपको देखने के लिए ओनली। अच्छा, किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं अभी 5 मिनट में ही मैं निकल जाने वाला था यहाँ से। हम जाएंगे बाइक पे, यहाँ पे बाइक है और यहाँ पे मेरा भैया जी आ चुका है टायून से और यहाँ पे अभी चलते हैं। यहाँ पे सामान फाइनली भरा लिया और कुछ पैसा लेना है, 1 रुपया 2 रुपया हाथ में है नहीं कैश। श्री श्री बलिया बाबा मंदिर, इसका अंदर में है मंदिर। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मंदिर पे और मंदिर में मतलब जिस चीज़ को जाने का अलाउ भी नहीं है, हम लोग का बहुत मतलब रूल एंड रेगुलेशन से चलना पड़ता है। तो भगवान का जो पालोनिया है मोहा लगते हैं, तो मोहा के साथ जाएंगे, मोहा का हाथ में चाबी है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। जय बलिया बाबा। चलो यहाँ से है करीबन जाना पड़ता है, यहाँ से बहुत ही दूर। रास्ता बहुत ही ज़रा ख़राब है दोस्तों, बहुत ही ज़रा ख़राब है। यहाँ से एंट्री है, अंदर में तीन मंदिर है। तो अंदर का मैं कुछ आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा तो मुझे यहीं पे मोबाइल रख के जाना पड़ेगा क्योंकि मान सम्मान का एक बात है दोस्तों। तो इसलिए मैं और ये झोला को लेके ये मोहा के साथ मैं अकेले चले जाऊँगा। तो अंदर में है तीन मंदिर। 4 साल के बाद मंदिर आया हूँ, फाइनली काम करके हो गया। तीन मंदिर पे साकी जला के कंप्लीट कर दिया और अभी चलते हैं अपना घर। 4 साल के बाद आया हूँ मैं, उससे पहले भी मैं आता था लेकिन 4 साल हो गए हैं। मैंने मंदिर पे आने के लिए पूरा बंद कर दिया था दोस्तों, बूढ़े बाबा मंदिर में आने के लिए, क्योंकि मतलब जब भी मतलब मैं मंदिर में आता हूँ मेरा मतलब रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, फीलिंग हो जाता है बॉडी में, क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलता मुझे। तो कहीं ना कहीं से मतलब मैं मतलब क्योंकि इंसान का मुँह कौन किसको बंद कर सकता है, तो कुछ हो जाएगा इधर उधर, तो इसलिए डर लगता है। इसलिए मैंने अपना घर पे मंदिर खोला, जब भी मुझे पूजा करने के लिए दिल करे मैं अपना घर पे मैं पूजा करूँगा। और मंदिर में नहीं आता हूँ क्योंकि इसलिए मैं नहीं आता था, मेरा बॉडी में हीलिंग होता है। तो इसीलिए आई थिंक मैं यहाँ पे 4 साल नहीं आया, इसलिए आई थिंक हम लोग का जो देवता है बोले बाबा, उन्होंने कुछ पंजिका देखने वाला आदमी को बोला होगा, तो इसीलिए आज आया हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये काम मतलब जो पंजिका जो देखता था वो आदमी ने करने के लिए बोला, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। और बोला है कि यहाँ पे साकी थके जलाने से अपना रास्ता मतलब खुल जाएगा और प्लस पॉइंट मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर उधर हो रहा है, सब लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसे मतलब नियम होता है सबका अलग अलग, किसको नू क्या समझाऊँ, आप लोग को क्या समझाऊँ, क्योंकि सभी लोग मानते हो भगवान को। तो ईश्वरी कुछ कुछ मतलब इधर उधर कर रहा है बोला है, तो इसलिए आया हूँ और अपना काम किया, अभी चलते हैं अपने घर पे। मैंने बोला है कि बोलिया बाबा का मंदिर, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब बोलिया बाबा का मतलब क्या है, बोलिया बाबा कौन सा भगवान है, मतलब शिव भगवान ही है लेकिन हम लोग देवरी समाज के लोग मतलब बोलिया बाबा बोलते हैं सभी लोग का। अभी शिव भगवान का बहुत अलग अलग नाम है, भोलेनाथ, भोले, कैलाशनाथ, जटाधर, ऐसा नीलकंठ, बहुत अलग 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 नाम है। तो हम लोग देवरी समाज लोग बोलते हैं बोलिया बाबा। तो चलते हैं अभी घर में। सही सलामत घर पे पहुंच चुका हूं, बहुत ही ज़्यादा आनंद लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा तरह से आ गया। अभी खाना मिल चुका है, फाइनली खाइए। और बहुत देर के बाद खाना मिल चुका है, अभी खा लेते हैं दोस्तों खाना, खाना के बिना ज़िंदगी अधूरा है। खाना खा पी के हो गया, अभी मैं मतलब 2-3 मिनट बातें कहने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या है आध्यात्मिकता, व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता मतलब क्या है?
देखो दो होता है, एक है धार्मिक इंसान और एक अधार्मिक इंसान। धार्मिक इंसान उसे कहते हैं जो रोज धूप दीप जलाते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, भजन नाम कीर्तन करते हैं, दैट मींस आप एक धार्मिक इंसान हो। अधार्मिकता तो धर्म से भी ऊपर आते हैं। मदर टेरेसा एक अधार्मिकता लेडी थी जो अपने लिए नहीं औरों के बारे में सोचते हैं। अगर आप भी अगर आपके भी अगर सोच दूसरों को अच्छाई के लिए है, आप भी अगर हेल्पफुल इंसान हो तो आप भी एक आध्यात्मिकता इंसान बन सकते हैं मेरे। निस्वार्थ भाव से आप अगर किसी को मदद करते हो ना तो हमेशा याद रखो ऊपर वाला आपको मदद करेगा। हम इंसानों का होता क्या है, सभी लोग यही सोचता है कि मतलब हम किसी को अगर मदद करते हैं तो हम लोगों से कहीं ना कहीं से कुछ जाता है, यानी कि मैं किसी को मदद कर रहा हूँ मुझसे कुछ जा रहा है। लेकिन सही डिसीजन कि मदद करने से कभी किसी का कुछ नहीं जाता, अरे वही शीश दोबारा लौट के अपना जिंदगी में फिर से वापस आता है। ये पूरा प्रमाण शीश है, मैंने अपने लाइफ पे मैंने भोगा है ये शीश और मैंने बहुत मैंने नोटिस भी किए हैं। मैं मदद करता हूँ मुझे फिर से भगवान मुझे कभी भी मतलब मेरा हाथ खाली होने के लिए देता ही नहीं है, कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लाता है। तो हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों को मदद करने के लिए शुरू कर दो। ऐसे मदद करो जो आपको जिंदगी भर भूल ना पाए, ऐसे मदद करो जो हमेशा आपको याद आए। तो निस्वार्थ भाव से ही आप अगर मदद करोगे तो ही तभी ये सब हो सकता है। अभी अगर आपका टाइम अगर बहुत ही ज्यादा गलत चल रहा है, अभी अगर आपका कुछ भी काम हो नहीं रहा है, तो आप दूसरों को मदद करो, वो भी निस्वार्थ भाव के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ। आप हमेशा याद रखो आपने कभी ना कभी दूसरों को तो मदद किए होंगे निस्वार्थ भाव से। याद करो वो फील कि कितना निस्वार्थ भाव से जब मदद करो तो कितना दिल को सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। काफी लोगों का ये होता है कि सिर्फ ऑनलाइन टेंशंस, पैसा का टेंशंस, मेरा ये घर में प्रॉब्लम है, मेरा वो है, मेरा ये टेंशन हो रहा है, वो हो रहा है। हम इंसान लोग हमेशा मतलब प्रॉब्लम में ही फंसते रहते हैं कि ये हो रहा है, डिप्रेशन टेंशन। तो आप लोगों को बता दूं, ये सब को ना एक दिन अपने आप को मतलब कंट्रोल लाओ कि एक दिन इस सब को छोड़ दो, वो टेंशन वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, पैसा वगैरह सब छोड़ दो, उसका बस इस दुनिया के तरफ में जो हम लोग का जो दुनिया है नेचर के तरफ में आप फील करो, सुनो, देखो, पेड़ पौधे देखो कि भगवान ने अतूट मात्राएं में हम इंसानों के लिए क्या क्या बना के नहीं भेजा। हमें बस जानने का जरूरत है, हमें बस अंदर का भावना को, अच्छा अच्छा भावना को, फीलिंग्स को जगाने का सिर्फ हम लोगों को थोड़ा बहुत जरूरत है। उसका बाद देखो दुनिया कितना सुंदर है और लाइफ बहुत ही सिंपल है जीने के लिए, बहुत ही सिंपल है। हमेशा याद रखो क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच जब चलेगा, चलने के बाद आप खूब नोटिस कीजिएगा कि जब खेल रहे हैं तो खेलने वाला प्लेयर्स चिल्लाता है ना ऑडियंस चिल्लाता है, ऑफ कोर्स ऑडियंस चिल्लाता है। तो हमेशा याद रखो आप हमेशा एक खिलाड़ी हो और ऑडियंस कोई अगर आपके लिए अगर चुगलीबाजी कर रहे हैं तो हमेशा याद रखो कि वो लोग मेरा ऑडियंस है और तुम्हें अपना खेल करना है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है। आपके हाथ में एक 100 रुपया अगर एक नोट हो, आपका एक हाथ पे एक है, चलो 1 रुपए का कॉइन्स हो, ऊपर से अगर गिराओगे तो कौन सा चिल्लाएगा? ऑफ कोर्स सिक्का चिल्लाएगा। जब ऐसे छोटा जब वैल्यू होता है ना तब चिल्लर ही आवाजें क्या करते हैं, जब नोट का जब वैल्यू बढ़ जाता है तब ऐसे आवाजें नहीं होते। तो याद रखो हमेशा जिंदगी जीना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हम लोग को तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। रिश्ते टूटने का दो कारण। हम इंसान लोग झुकना पसंद नहीं करते, क्यों? भगवान अगर आपको अगर प्रसन्न हो जाए, भगवान अगर आपको बोलेंगे कि जो मांगना है मांगो, गाड़ी घोड़ा पैसा आयासी बड़े बड़े बिल्डिंग, लेकिन एक कंडीशन, उस बड़े बिल्डिंग में सिर्फ आप अकेले रहोगे, तो क्या आप ये वरदान स्वीकार करोगे? कोई भी इस वरदान को वरदान नहीं मानेगा। जब अपने ही ना हो अपने साथ तो ये पूरा दुनिया फीकी पड़ जाते हैं। अपने जो लोग आपके पास जो है, भाई बहन माता पिता जो लोग भी है, उनको निस्वार्थ भाव से प्यार करने के लिए शुरू कर दो। दिल से माफ़ी मांगो जिसके साथ आपने गलत किया है, मांग लो किसी से माफ़ी, कर दो सभी को माफ। कहाँ ना जाओगे हम इंसान इस ईगो और घमन को लेके, जिंदगी में वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है। बिगड़े हुए रिश्ते को संवार लो, हमेशा झुको। झुकने से अगर रिश्ता गहरा होता है तो हमेशा झुको, बार बार अगर आपको अगर झुकना पड़े तो रुक जाओ। बहुत सारे लोगों का घर में ये होता है कि कुछ लोग
घर से जाता है तब घर वाले लोग खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग जब घर में आता है तब आदमी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चेक कीजिएगा कि आप कौन सा कैटेगरी में है। और बहुत सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका माइंड आपका बॉडी में इतना कनेक्टेड है कि ये मेडिकली अगर प्रूफ किया जाए तो ये साबित हो जाते हैं। आपका मन बीमार है इसलिए आपका तन बीमार है। हमेशा याद रखो, हम लोगों का मतलब कुछ बीमार होता ही नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये हो रहा है, 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 उसके बाद हम लोग का दिमाग में घुस जाता है, बहुत ही ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। खूब याद करो, इस दुनिया में मैक्सिमम बीमारी साइकोसोमेटिक होता है, मतलब साइको मतलब आप ये सोच रहे हो इसलिए आपका ये बीमार हो रहा है, आप ये सोच रहे हो इसलिए आपका ये हो रहा है, आपका आप ये सोच रहे हो इसलिए आपका ये हो रहा है। उसका बाद हम लोग भगवान के चरण में जाते हैं, मेरा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो आपके पास है उसका तो आप थैंकफुल दे नहीं रहे हो, और जो नहीं है उसको आप लोग भगवान को कोस रहे हो। क्यों? जितना है उतना में खुश रहने के लिए शुरू कर दो। इस दुनिया में कोई भी इंसान बीमार नहीं है। हम लोग बीमार होते किस लिए है? दिमाग के वजह से, दिमाग में सोच लेते हैं इसलिए हम लोग बीमार हैं। आप हमेशा खूब खूब आप नोटिस करो, जब आप कहीं में कहीं ना कहीं से आप मतलब डांस करने के लिए जाते हो या मतलब कहीं मन पसंद वाला आप काम करते हो, तब आप लोग सोचते हो कि मेरा ये बीमार हो रहा है, इस बार हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन डिप्रेशन में मैं पहले रहता था। जब मैं स्टेज में जब मैं परफॉर्म करने के लिए जाता हूँ या डांस करने के लिए जाता हूँ, मैं मेरा मतलब एनर्जी लेवल और भी बढ़ जाता है, मैं और भी मतलब एनर्जेटिक हो जाता हूँ कि मुझे और भी मतलब करना है, तो उस टाइम पे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ वो सब। तो ऐसे कीजिए, अपना जिंदगी को सिंपल बनाइए, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप एक एक दिन को ठीक कीजिए। जैसे अभी आपका ये आदत सब गलत है, आप एक दिन सुबह उठिए, उठने का बाद अपना जो बुरा बुरा आदत है आप सुबह उठने से पहले आप पूछने का पहले आप सोच लीजिए कि आज मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। एक दिन को ठीक कीजिए, दूसरे दिन को ठीक कीजिए, तीसरे दिन को ठीक कीजिए, जीवन अपने आप ठीक होता जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा टेंशन लिया मत करो। नो एनी मेडिसिन कैन किल ए नेगेटिव थिंकर एंड नो एनी पॉइजन कैन किल ए पॉजिटिव थिंकर। अच्छा सोचो, हमेशा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस अच्छा काम करते जाओ, फल का चिंता मत करो, अपना काम करते जाओ, भगवान को यकीन करते जाओ। इस दुनिया में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक ऐसा शक्ति ऊपर बैठा हुआ है जो आपका कभी बुराया नहीं चाहता। आपके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है अभी अच्छे के लिए हो रहा है। लड़ाई झगड़ा होते हैं किस लिए? अच्छे के लिए होते हैं। तो हमेशा याद रखो, अपना काम करते जाओ निस्वार्थ भाव से, ईश्वर को निस्वार्थ भाव से याद करते जाओ, कोई दुनिया में आपको तोड़ नहीं पाएगा मेरे दोस्तों, कोई भी हरा नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ।